तो हाय गाइस, वेलकम टू न्यू वे चैनल। तो फ्रेंड्स, वीवो ने अपने जो है वीवो Y31 को जो है इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। यहाँ पर ये जो फोन है ये 6GB रैम 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ है। आपको ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मार्केट में देखने को मिलता है ये स्मार्टफोन। तो आज के वीडियो में बात करेंगे इसी फोन के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना। चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की। तो आपको 6.58 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको वाटर ड्रॉप नॉच भी देखने को मिलता है। यहाँ पर ये जो फोन है ये 1080p रेजोल्यूशन के साथ आता है और काफी बढ़िया आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस ये डिस्प्ले काफी बढ़िया है, लेकिन इसमें आपको कोई भी हायर रिफ्रेश रेट नहीं मिलता, 60Hz का ही पैनल देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको कोई भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले इसमें नहीं प्रोवाइडेड है। बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की। तो आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 वाला चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि एक ऑक्टा कोर चिपसेट है और 2.1 GHz पर क्लॉक्ड है। तो आपको काफी डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्राइस इसका जो चिपसेट है वो काफी ज्यादा जो है अंडर पावर्ड है। तो आपको इतना ज्यादा जो है पावरफुल नहीं लगेगा ये चिपसेट। स्नैपड्रैगन 662 के साथ साथ आपको 6GB रैम 128GB वेरिएंट देखने को मिलता है इसमें। हालांकि यहाँ पर और कोई रैम वेरिएंट यहाँ पर लिस्ट नहीं हुआ है, लेकिन एक ही रैम वेरिएंट जो कि 6GB रैम 128GB के साथ ही ये फोन लिस्ट हुआ है। यहाँ पर बात कर लेते हैं कैमरा की। तो आपको यहाँ पर 3 कैमरा देखने को मिलते हैं। ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, 48MP का प्राइमरी सेंसर है, 2MP का आपको डेप्थ सेंसर और 2MP का ही आपको मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है इस फोन में। यहाँ पर कोई भी आपको जो है अल्ट्रा वाइड सेंसर प्रोवाइडेड नहीं है, तो आप अल्ट्रा वाइड शॉट्स नहीं ले सकते इस फोन से। और अकॉर्डिंग टू प्राइस इसमें अल्ट्रा वाइड सेंसर होना चाहिए था, लगभग 5MP का भी होता तो काफी बढ़िया बात होती। इस फोन के जो कैमरा है रियर में, उसमें आपको वीडियो में EIS का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे कि आप काफी स्टेबल वीडियो शॉट्स ले पाएंगे। फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा आपको 16MP का देखने को मिलता है, जिससे कि आप काफी ज्यादा अच्छे इमेजेस ले सकते हो। वीवो के कैमरा जो होते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग जो है फोटोज वगैरह लेने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर बात करते हैं इसके बैटरी की। तो आपको 5000mAh बैटरी देखने को मिलता है इस फोन में। 18W की चार्जिंग आपको दी जाती है इस फोन में, साथ ही साथ 18W का अडैप्टर आपको इनबॉक्स मिल जाएगा। टाइप सी पोर्ट आपको मिल जाता है और 3.5mm जैक भी है। साथ ही साथ आपको सिंगल स्पीकर भी मिलता है इस फोन में। OS की बात करें तो आपको फंटच OS 11 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, साथ ही साथ एंड्रॉइड 11 भी मिलता है इसमें। वीवो का जो फंटच OS है वो काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया है एंड्रॉइड 11 के साथ, तो आपको काफी बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा इस फोन में। बात करते हैं कलर वेरिएंट्स की। तो आपको 2 कलर वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं इस फोन में। पहला कलर वेरिएंट जो है वो है रेसिंग ब्लैक और सेकंड है ओशन ब्लू कलर। तो आपको 2 कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ प्राइसिंग की बात कर ले तो 16,490 रुपये जो है प्राइसिंग रखी गई है इस फोन की। तो फोन अगर आपको खरीदना है तो आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन और ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा। बाकी वीवो Y31 के बारे में आपका क्या कहना है आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। We'll be right back.